तो भाई आज हमारे पास एक एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसी दिखने वाली स्मार्ट वॉच है और ये है हैमर की हैमर एक्टिव 2.0। वैसे तो हमने अपने चैनल पर कुछ एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसी स्मार्ट वॉचेस का ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाई हुई है, लेकिन ज्यादातर जो स्मार्ट वॉचेस है ना उनके साथ आपको भाई जैसे वारंटी वगैरह नहीं मिलती है, लेकिन ये वाली वॉच में भाई आपको वारंटी मिलती है और साथ में फीचर्स वगैरह भी उन जो वॉचेस से आपको थोड़े से बेटर मिलते हैं, क्योंकि इस वॉच को जैसा देख सकते हो मैंने पहना हुआ है काफी हद तक, मतलब क्या सेम ही आपको एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसी लुक मिलेगी। लेकिन इस वॉच का जो प्राइस है वो सिर्फ है यहाँ पर 1899 रुपये। भाई इस प्राइस पॉइंट में इस वॉच के जो फीचर हैं, लुक है, वो नॉर्मली दूसरी आपको जो ब्रांड्स में वॉचेस के हम वीडियो बनाते हैं उससे भी ज़्यादा मिलते हैं। तो कैसी स्मार्ट वॉच है सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से, लेकिन वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कॉन्टेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये रहा हमारा भाई हैमर एक्टिव 2.0 का बॉक्स और देख सकते हो भाई ये जो वॉच है काफ़ी हद तक क्या मतलब सिमिलरली लुकिंग है जो एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसी, और यहाँ पर इसके ऊपर इसके कुछ मेन फीचर लिखे हैं जैसे इनबिल्ट गेम होगी, 60+ यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड है, 100+ यहाँ पर जो वॉच फेसेस हैं, ब्लूटूथ कॉलिंग, 1.95 इंचेस का IPS डिस्प्ले है, वॉइस असिस्टेंट। लेकिन भाई बॉक्स कंटेंट की बात करें तो ये जो वॉच है जैसा आप देखते हो इस तरह से पैकेजिंग में आती है भाई, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी ना भाई एकदम बिल्कुल वैसी है जैसे एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसी है, तो इसको एक बार साइड में रखते हैं। लेकिन इसके अलावा ना इस वॉच को चार्ज करने के लिए इसके साथ एक वायरलेस चार्जर मिलता है, तो भाई वायरलेस चार्जिंग भी ये जो वॉच है सपोर्ट करती है। साथ में यहाँ पर इसके जो स्ट्रैप्स हैं वो अलग से हैं और इसके जो स्ट्रैप्स हैं उनको लगाना बहुत ही सिंपल सा है, जैसे नॉर्मल एप्पल वॉच अल्ट्रा का जो स्ट्रैप्स लगते हैं स्लाइड करके इस तरह से आप लगा सकते हो। यहाँ पर एक बटन सा है, इसका रिलीज वगैरह भी करना हो तो इस तरह से हो जाता है। तो जो लुक है ना इस वॉच की वो भाई जैसा आप देख सकते हो एकदम एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसी है, और जो स्ट्रैप्स की क्वालिटी है ना भाई वो एकदम वैसी है जैसे आपको एप्पल वॉच के साथ जो मिलते हैं स्ट्रैप्स वैसे ही यहाँ पर आपको मिलते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रैप्स हैं ना आपको दो ऑप्शन में मिलते हैं, एक ब्लैक है और एक यहाँ पर ब्लू है, मेरे पास ब्लैक कलर वाली जो वॉच है। लेकिन अगर आपको इनको चेंज करना होगा ना तो मार्केट में आपको जैसे एप्पल वॉच के भी बहुत सारे जो रिप्लेसमेंट स्ट्रैप मिलते हैं तो उनसे भी आप चेंज कर सकते हो। बट भाई बात करें इस वॉच के बारे में तो सबसे पहले इस वॉच का जो डिजाइन है बिल्ड क्वालिटी उससे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हो इस वॉच की जो लुक है ना वो कुछ इस तरह से रहती है, ऑब्वियसली बात है भाई दिखने में यहाँ पर बिल्कुल ही वैसी ही लग रही है जैसे एप्पल वॉच अल्ट्रा होती है। और यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सॉलिड है, काफी अच्छी खासी मेटल की बिल्ड क्वालिटी मिलती है। और इस वॉच में यहाँ पर जैसा देखते हो एप्पल वॉच अल्ट्रा की तरह आपको तीन यहाँ पर जो बटन मिलते हैं, तो एक यहाँ पर ये रोटेटिंग क्राउन है जिससे ये जो वॉच फेस भी चेंज हो जाते हैं, और उसके अलावा ये एक ऑन ऑफ बटन है, साथ में यहाँ पर एक शॉर्टकट बटन रहता है तो इसको प्रेस करोगे ना तो इस बटन की जो सेटिंग वगैरह या फिर कुछ भी शॉर्टकट लगाना हो तो वो लगा सकते हो। और उसके अलावा पीछे से ये वॉच कुछ इस तरह से देखती है, तो सेंसर्स वगैरह हैं और चार्जिंग पॉइंट्स हैं, चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है ऑब्वियसली, यहाँ पर ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रैप्स जैसा मैंने दिखाया भाई कुछ इस तरह से रहते हैं, और ये भी जो स्ट्रैप्स की क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है, मतलब भाई 1899 रुपये में ना जो भाई इस वॉच का डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी है ना वैसे एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसी दिखने वाली है, लेकिन किसी और वॉच में ना इस तरह की बिल्ड क्वालिटी डिजाइन अभी तक तो नहीं मिल रहा जो आपको ब्रांडेड वॉचेस में मिलती है वैसे। बाकी स्ट्रैप्स अच्छे हैं तो यहाँ पर जो कंफर्ट लेवल वगैरह वो भी काफी अच्छा रहता है। भाई 1899 रुपये के हिसाब से तो भाई इस वॉच की जो इन हैंड लुक रहती है ना भाई एकदम मतलब एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसी ही है, तो उस तरह की फील लेनी है तो बढ़िया है वॉच। उसके बाद भाई जो इसके डिस्प्ले की बात करें ना तो यहाँ पर आपको 1.95 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन भाई डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है देख सकते हो। और यहाँ पर इसको अलग अलग जो वॉच फेस में अगर लगा के दिखाऊं तो देख सकते हो भाई इसके जो बेजल्स वगैरह का भी आपको आइडिया लग जाएगा, तो बेजल बहुत ही मिनिमल से हैं, साइड में बहुत ही कम बेजल है, ऊपर हल्का सा और नीचे हल्का सा आपको बेजल दिख रहा है। लेकिन इस डिस्प्ले के साथ ना इस वॉच की जो लुक है ना भाई बहुत ही बढ़िया लग रही है, काफी शार्प डिस्प्ले भी है। बाकी ब्राइटनेस की बात करो तो इस डिस्प्ले की ब्राइटनेस है 600 nits की, और भाई इंडोर हो आउटडोर हो कहीं पर भी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं रहती है इस वॉच में, तो डिस्प्ले भाई सच में अच्छा है इस प्राइस के हिसाब से, आपको काफी बढ़िया सा एक कम बेजल वाला एक डिस्प्ले देखने को मिलता है यहाँ पर। देखो भाई वैसे एक LCD डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पर हैमर ने इसमें एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट दिया हुआ है, तो देख सकते हो यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसको इनेबल कर सकते हो और वो भाई कुछ इस तरह से दिखता है देख सकते हो। लेकिन ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ना ऑब्वियसली बात है भाई अगर आप ऑन करते हो तो बैटरी वगैरह थोड़ी सी ज्यादा कंज्यूम करेगा इसमें, लेकिन इस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की ड्यूरेशन वगैरह आप सेट कर सकते हो कितनी देर तक ऑन रहे तो थोड़ी सी यहाँ पर बैटरी बच जाएगी। जैसे नो भाई एमुलेट नहीं है यहाँ पर LCD है, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मतलब ठीक है अगर इसमें आपको मिल रहा है तो। बाकी इस वॉच में एक और बढ़िया फीचर है बेड साइड लैंप का, और अगर आपने ये ऑप्शन इनेबल किया ना तो जब भी आप इसको चार्जिंग पे लगाते हो ना तो ये जो वॉच है ना कुछ इस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले इसका शो होता रहता है, तो एक तरह से नाइट में जो टाइम वगैरह देखना हो तो टेबल लैम्प की तरह यहाँ पर ये काम करेगा, वैसे टेबल लैम्प नहीं है यहाँ पर नाइट क्लॉक बोल सकते हो इसको। बट ये जो फीचर अगर आप इनेबल रखते हो ना चाहे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हो या फिर ये टेबल लैम्प वाला, तो थोड़ी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो इस वॉच में जो आपको बैटरी मिलती है वो अराउंड वही 5 दिन के आसपास की मिलेगी विदाउट कॉलिंग, विद कॉलिंग 2 दिन के आसपास ये वॉच चलती है। और जैसे बताया इसके साथ आपको ये वायरलेस चार्जर मिलता है, तो यहाँ पर इससे अराउंड 2 घंटे में ये चार्ज होती है। बाकी इस वॉच में IP67 की रेटिंग है, तो थोड़ा बहुत स्प्लैश वगैरह वो ये झेल जाएगी, बारिश वगैरह में मैं बोलूंगा कि भाई इसको थोड़ा
सा अवॉइड करो। बाकी स्विमिंग करते हुए या फिर जैसे नहाते हो अगर आप वॉचेस पहनकर, तो वहां पर मैं बोला कि अवॉइड कर सकते हो। बाकी यहाँ पर ना अगर वॉच फेसेस की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर ये जो कुछ डिफॉल्ट वॉच फेसेस है, और जैसे बताया था भाई यहाँ पर आपको रोटेटिंग क्राउन मिलता है, तो इससे आप अलग अलग जो वॉच फेसेस है लगा सकते हो। बाकी इस वॉच के साथ इसकी जो ऐप रहती है MAS Wear, तो इसमें यहाँ पर जो बहुत सारे जो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं वॉच फेसेस के, जैसे यहाँ पर कुछ कैटेगरीज हैं, ग्राफिक्स में जाओगे तो भी बहुत सारे आपको वॉच फेसेस मिल जाएंगे, या फिर अपना कोई वॉच फेस बनाना हो ना तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, कोई फोटो वगैरह लगानी हो। जैसे ये वाला वॉच फेस मैंने यहाँ पर अभी लगाया, तो ये जो देख सकते हो कुछ इस तरह से दिख रहा है। बट यहाँ पर ना वो एप्पल वॉच अल्ट्रा वाले जो वॉच फेसेस होते हैं ना वो यहाँ पर नहीं है, वो होते ना थोड़ा सा और एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसे यहाँ पर लुक आ जाती है इस वॉच की। बाकी इस वॉच में ना कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन भी अच्छे हैं, जैसे यहाँ पर इस क्राउन को प्रेस करोगे ना तो ये जो मेन्यू आपका खुल जाता है, और देख सकते हो भाई जो मेन्यू वगैरह वो भी काफी स्मूथ है इसका। और ये जो मेन्यू है ना आपको इसमें जो अलग अलग स्टाइल मिलते हैं अराउंड 6 के करीब आपको मिलते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करूं तो यहाँ पर देख सकते हो एक छोटा सा आइकन है, इस पर टैप करोगे तो अलग अलग मेन्यू स्टाइल है आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। या फिर जल्दी से भी जो मेन्यू स्टाइल चेंज करना है तो ये जो क्राउन है दो बार प्रेस करोगे ना तो यहाँ पर अलग अलग जो मेन्यू स्टाइल है आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर मेन्यू स्टाइल है। उसके अलावा लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करते हो ना तो यहाँ पर एक शॉर्टकट जो मेन्यू आता है, और इस मेन्यू का स्टाइल भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए वापस से आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है, और यहाँ पर नीचे देखोगे कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है साइड बार स्टाइल, और देख सकते हो यहाँ पर स्टाइल 1, स्टाइल 2, स्टाइल 3, स्टाइल 4, स्टाइल 5 है, तो अलग अलग जो स्टाइल आपको ऑप्शन दिया है। तो अब यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो अब जो मेन्यू स्टाइल है वो यहाँ पर चेंज हो गया है। तो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन भी भाई बहुत अच्छे से यहाँ पर दिए हुए हैं आपको। लेकिन कुछ और फीचर्स की बात करें, जैसे कि इस वॉच में आपको यहाँ पर पासवर्ड प्रोटेक्शन वाला भी ऑप्शन दिया है, तो अगर अपना कोई पासवर्ड वगैरह लगाना चाहते हो, चाहते नहीं हो कि मतलब आपकी वॉच को कोई एक्सेस करे, तो यहाँ पर वो लगा सकते हो। उसके अलावा इस वॉच में आपको यहाँ पर कुछ इनबिल्ट गेम भी दिए हैं, तो 4 के करीब इनबिल्ट गेम है, जैसे भाई ये एक रोड रैश जैसी गेम नहीं होती थी वैसी कुछ है। उसके अलावा यहाँ पर ये कोई डाइस वाली गेम है, मुझे नहीं पता भाई इसको कैसे खेलते हैं आप बताओ, या फिर जो 2048 वाली गेम है जैसा आप देखते हो वो यहाँ पर आपको मिलती है, या फिर जैसे ये जो है गैलेक्सी वॉर जैसी कोई गेम आपको दी हुई है इसमें, तो ये भी सही है। टाइम पास वगैरह करना हो तो भाई बहुत आराम से यहाँ पर आप कर सकते हो, क्योंकि स्क्रीन काफी बढ़िया है और यहाँ पर कुछ अच्छी खासी गेम्स मिलती हैं। बाकी भाई हेल्थ रिलेटेड फीचर्स की बात करें ना, तो इस वॉच में आपको यहाँ पर 60+ यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड दिए हैं, और देख सकते हो भाई जो स्पोर्ट्स मोड हैं बहुत सारे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, तो हर तरह के स्पोर्ट्स मोड हैं। और इस वॉच में आपको इनबिल्ट GPS नहीं मिलता, इन ऐप GPS मिलता है, तो जो भी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन रहेगी इसके ऐप के थ्रू आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है भाई 1899 में कोई आपको इनबिल्ट GPS वाली वॉच वैसे भी नहीं मिलेगी, लेकिन इस वॉच के जो बाकी फीचर हैं जैसे हार्ट रेट, SpO2 वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। सबसे पहले ना जैसे यहाँ पर इसका जो हार्ट रेट मॉनिटरिंग है उसको यहाँ पर ऑन कर लेते हैं, और मैंने अपनी फिंगर पर एक ऑक्सीमीटर लगाया हुआ, तो इसको भाई कंपेयर कर लेंगे और देखेंगे भाई कितनी जो क्लोज रीडिंग रहती है। तो जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्सीमीटर में मुझे इस टाइम पे दिखा रहा है भाई 84 बीट पर मिनट, और यहाँ पर दिखा रहा है 80 बीट पर मिनट, तो क्लोज ही रीडिंग है। लेकिन यहाँ पर जैसा आप देखते हो इसके लिए आपको यहाँ पर जो ग्रीन और रेड सेंसर दोनों ही मिलते हैं। बाकी इसमें यहाँ पर ऑक्सीमीटर भी दिया हुआ है तो उसको भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं, और इसके लिए आपको यहाँ पर वही सेम जो ग्रीन और रेड सेंसर दोनों ही यहाँ पर दिए हुए हैं, तो दोनों वर्क कर रहे हैं। लेकिन इसको यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं इस जो ऑक्सीमीटर से, और ऑक्सीमीटर में ना जैसा आप देखते हो यहाँ पर फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी 95 हो रहा है, कभी 96 हो रहा है, तो देख सकते हो यहाँ पर भी 96 दिखा रहा है। लेकिन एक चीज मैंने यहाँ पर नोटिस करी कि ये जो रीडिंग्स है ना बहुत मुझे एक्यूरेट नहीं लगी। जैसे मैंने इस वॉच को टेबल पर रखा हुआ तो देख सकते हो ये जो है ना कभी कभी जो टेबल की रीडिंग्स वगैरह भी शो कर देता है, वैसे टेबल की रीडिंग हमारी काफी हाई है इस टाइम पे। तो इनके जो सेंसर है ना उस पे ज्यादा रिलाय मत करना, मतलब आइडिया वगैरह ले सकते हो लेकिन भाई कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो अगर आप इनको यूज करो तो सिर्फ आइडिया ही लिया करो। उसके अलावा यहाँ पर आपको BP जैसे ऑप्शन भी दिए हैं, और साथ में यहाँ पर जो स्लीप ट्रैकिंग वगैरह वो भी आप कर सकते हो। जैसे आप देखते हो ये मेरी लास्ट नाइट की स्लीप है। तो सबसे पहले तो भाई कॉल नोटिफिकेशन कुछ ऐसी सी रहती है, तो यहाँ पर कॉलर का नाम या नंबर आएगा, कॉल काट सकते हो, उठा सकते हो, और ये जो वॉच है ना ये यहाँ पर रिंग भी कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। बाकी इसकी ऐप के थ्रू ना आप यहाँ पर 50 के करीब जो कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पर सिंक कर सकते हो। लेकिन कॉलिंग की बात करें तो यहाँ पर मैं एक नंबर डायल कर देता हूँ, उसका स्पीकर का वॉल्यूम वो आपको मैं चेक करके दिखा देता हूँ। और जैसा यहाँ पर आप सुन सकते हो भाई वॉल्यूम पूरा फुल है और बहुत ही लाउड यहाँ पर इसके जो स्पीकर्स हैं, तो ये चीज़ सही है, अगर आप इंडोर हो आउटडोर हो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अब बात करते हैं भाई इस वॉच में आपको कॉलिंग का फीचर मिलता है, तो उसको भी चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कुछ कॉल्स ली थी अभी और यहाँ पर भाई सामने वाला बता भी नहीं पा रहा था कि मैं भाई वॉच पर बात कर रहा हूँ या फिर फोन पर बात कर रहा हूँ। तो कॉलिंग के हिसाब से भाई बहुत ही बढ़िया स्मार्ट वॉच है, 1899 में बहुत ही लाउड स्पीकर है यहाँ पर। बाकी जल्दी से भाई वॉच का UI मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे बताया भाई जो वॉच फेस चेंज करना हो तो इसके रोटेटिंग क्राउन से चेंज कर सकते हो, या फिर मेन्यू वगैरह आपको यहाँ पर जो नेविगेट करना हो तो वो भी यहाँ पर हो जाएगा। बाकी ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल, नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर ये कोई टॉगल बटन है, और ये भी आप यहां पर कस्टमाइज कर सकते हो। एडिट के बटन टैप करोगे देख सकते हो यहां पर प्लस माइनस के बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद यहां पर मेन्यू एक्सेस करने के लिए ये जो बटन प्रेस करना है तो यहां पर ये मेन्यू कुछ इस तरह से दिख जाएगा लिस्ट स्टाइल में, या फिर इस मेन्यू का जो स्टाइल चेंज करना है मैं आपको ऑलरेडी दिखा दिया, तो अलग अलग बहुत सारे यहां पर मेन्यू आपको दिख जाते हैं और UI भाई बहुत ही स्मूथ है। उसके बाद यहां पर ये शॉर्टकट मेन्यू है, और उसके बाद अगर आपको यहां पर जैसे गूगल असिस्टेंट सीरी वगैरह एक्सेस करना है तो इसको यहां पर डबल टैप करो होम स्क्रीन पे तो वो यहां पर एक्सेस कर सकते हो। दूसरा एक यहां पर जो बटन है शॉर्टकट बटन, तो इससे आप प्रेस करोगे तो इसका जो SOS वाला फीचर है उसको आप यहां पर इनेबल
इनेबल डिसेबल कर सकते हो। तो इसको मैं शॉर्ट लॉन्ग प्रेस करूँगा तो देख सकते हो यहाँ पर जो सायरन है SOS यहाँ पर फीचर इनेबल हो गया है, तो ये सही है। बाकी शॉर्ट प्रेस पे यहाँ पर कोई भी फंक्शन वगैरह रखना हो, जैसे टॉर्च अगर रखनी है तो उसको आप यहाँ पर लगा सकते हो, तो ये सही है। बाकी यहाँ पर जो एक और बटन है जिससे इसकी जो स्क्रीन है वो ऑन ऑफ हो जाती है। तो भाई ये है हैमर की एक्टिव 2.0, और भाई देखने में एक तरह से मैं बोलूँगा कि भाई एप्पल वॉच अल्ट्रा ही है, पूरे यहाँ पर वैसे ही आपको लुक मिलती है। कोई बता भी नहीं सकता भाई एप्पल वॉच अल्ट्रा या फिर नॉर्मल कोई आपको 1899 में ये वॉच मिल रही है। तो मुझे यहाँ पर इसके प्राइस के हिसाब से इसकी जो लुक है, डिज़ाइन है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया लगी। फीचर्स वगैरह भी मुझे लगता है कि भाई बहुत ही अच्छे खासे मिल जाते हैं आपको इस वॉच में। लेकिन जैसे मतलब भाई इसमें जो हेल्थ रिलेटेड फीचर है जैसे हार्ट रेट, SPO2, स्लीप ट्रैकिंग, तो उस पर ज़्यादा रिलाय मत करना। बाकी काफ़ी बढ़िया मुझे वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच लगी। लुक वाइज तो भाई बहुत ही तगड़ी लुक है, एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसी ही मिल रही है आपको। तो ये है भाई हैमर एक्टिव 2.0। भाई ऑब्वियसली बात है एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसी अगर आपको वो लुक चाहिए 1899 रुपये में, तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपने इस वॉच को खरीदना होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लीजिए। तो आपको कैसी लगी है हैमर एक्टिव 2.0 या मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कॉन्टेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इस तरह के साथ, और मैं आपको अगली बात।